हम लाते हैं टॉप न्यूज, आपके फेवरेट टॉक शोज और अनलिमिटेड एंटरटेनमेंट सिर्फ यूट्यूब पर। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें। सब्सक्राइब कीजिए और हम आपको लिए चलेंगे आपकी फेवरेट वीडियो की तरफ। बड़े वडेरे के बेटे शाहरुख जतोई के बड़े केस में बड़ा ट्विस्ट। शाह से कत्ल केस दोबारा खोलने का हुक्म। मुजरिम शाहरुख जतोई की सजाए मौत कलदम करार। केस से दहशत गर्दी की तमाम दफात भी खत्म। सेशन अदालत को केस की असर नौ समाप्त करने का हुक्म। दहशत गर्दी की दफात है तो फरीकैन में सुलह किस बुनियाद पर हुई? जस्टिस सलाहुद्दीन का इस्तफसार। सारा झगड़ा जाती था। केस का इंसदादे दहशतगर्दी अदालत में ट्रायल बनता ही नहीं। शाहरुख के वकील के दलाइल। केस में एटीसी ट्रायल बनता था या नहीं? सिंध हाई कोर्ट ने ट्रायल कोर्ट भेज दिया। सुप्रीम कोर्ट इंसदादे दहशतगर्दी दफात का मामला पहले ही निपटा चुकी, फिर मामला क्यों इससे नीचे की अदालत में ले जाया गया? सुप्रीम फैसले के खिलाफ फैसले पर अज खुद नोटिस लेगी? क्या सिंध सरकार फैसले के खिलाफ अपील करेगी? कहीं केस में सियासी असर और रसूख तो इस्तेमाल नहीं हो रहा? आज के फैसले ने नए सवालों को जन्म दे दिया। कराची में जिरगे के हुक्म पर कत्ल किए गए जोड़े के केस में दिल दहला देने वाले इंकशाफात। 22 नवंबर को हादी और हुसैना का पता चलने पर लड़की के वालिद ने रिश्तेदारों को जमा करके जोड़े खोला। दोनों को कत्ल करके ताला बाहर से लगा दिया। रात होते ही दोनों को कब्रिस्तान में दफनाया गया। पुलिस ने अदालत से गिरफ्तार मुलजिमान का जिस्मानी रिमांड हासिल कर लिया। पेशावर में एक और कमसिन के रेप के बाद कत्ल का इंकशाफ। सरबंद में मकतूल हुबैब की कब्र कुशाई। लाश पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल मुंतकिल। गिरफ्तार मुलजिमान पर मुकदमा दर्ज। अहले खाना का जिम्मेदारों को कड़ी सजा देने का मुतालबा। धरना मिसहैंडलिंग पर नवाज शरीफ की एहसन इकबाल पर चढ़ाई। साबिक वजीर आजम पंजाब हाउस के इजलास में वजीर दाखिला पर बरस पड़े। कहा कि इस्लामाबाद धरने को दुरुस्त अंदाज में डील क्यों नहीं किया गया? सारी सूरतेहाल पर पार्टी के दीगर शिकार। बोले कि 22 रोज बाद वजीर कानून के इस्तीफे से पार्टी की सुबकी और हुकूमत कमजोर हुई। धरना खत्म होते ही वजीर दाखिला एहसन इकबाल का यूटर्न। कहा धरना खत्म करने के लिए मुहायदा करना नहीं चाहते थे, लेकिन कोई चारा भी नहीं था। धरना खत्म न होता तो बाद हंगामे फूट पड़ते। इस्लामाबाद धरना खत्म, लेकिन लाहौर वालों का उठने से इनकार। चेयरिंग क्रॉस पर एहतजाजी धरना चौथे रोज भी जारी। रास्ते बंद होने से आवाम परेशान। अतराफ के ताजिर मुजाहिरीन का खत्म नबूवत मामले के तमाम जिम्मेदारों के खिलाफ कार्रवाई और शहदा के कत्ल की FIR दर्ज करने का मुतालिबा। वजीर आला पंजाब का तमाम गिरफ्तार अफराद की रिहाई का हुक्म। एहतसाब अदालत में शरीफ फैमिली के खिलाफ केस की समाअत। नवाज शरीफ समेत दीगर मुलजमान हाजिर पर वकील गैर हाजिर। समाअत बगैर किसी कार्रवाई के 4 दिसंबर तक मुलतवी। नवाज शरीफ पेशी के बाद लाहौर वापस आ गए। जमहूरियत नहीं, हमेशा जमहूरियत में मुल्क ने तरक्की की। नवाज शरीफ आज फिर फट पड़े। कहा कि 70 साल से जो कुछ मुल्क में हो रहा है अच्छा नहीं। कभी मुंतखब वजीर आजम को हटा दिया जाता तो कभी फांसी दे दी जाती है, कभी वजीर कर लिया जाता है तो कभी जिला वतन। सुप्रीम कोर्ट ने हुदैबिया रेफरेंस का तमाम बुनियादी रिकॉर्ड तलब कर लिया। नैब की मोहलत देने की दरख्वास्त। जो काम आज नहीं हुआ वो 4 हफ्तों में भी नहीं होगा। जस्टिस मुशीर आलम के रिमार्क्स। नैब के क्याम की तमाम तफसीलात तलब करते हुए समाअत 11 दिसंबर तक मुलतवी।
केस से गहरा ताल्लुक है। इस केस में असल मामला मनी ट्रेल का है। फवाद चौधरी की मीडिया से गुफ्तगू, नैब पर केस कमजोर करने की कोशिश का इल्जाम भी लगा दिया। नईमुल हक कहते हैं नून लीग में दरारें सबको दिखाई दे रही हैं, हुकूमत लंगड़ी और अपाहज हो चुकी, इसे फौरी चले जाना चाहिए। ताहिर अल कादरी का वतन वापसी के साथ ही असेंबलियां तोड़ने का मुतालबा, कहा जो हुकूमत पार्लियामेंट में मसाइल हल नहीं कर सकती इसे इख्तदार में रहने का हक नहीं। मुआवजा किया और मुआवजा इतना सख्त हुआ कि इनकी चोरी और इनकी डाका जनी पकड़ी गई और पूरी दुनिया में ये जलील और रुस्वा हुए, बच्चा बच्चा इनका जलील और रुस्वा हुआ। क्या आपके इंट्रा पार्टी इंतखाबात कल अदम करार पाएंगे? इलेक्शन कमीशन ने फैसला महफूज कर लिया, 5 दिसंबर को सुनाया जाएगा। पेशावर हाई कोर्ट ने खैबर पख्तूनख्वा के निजी तालीमी इदारों में सालाना फीस 3% से जायद बढ़ाने पर पाबंदी आयद कर दी, समर कैंप्स लगाने से भी रोक दिया। स्कूल वैन में तलबा के लटकने पर चालान स्कूल कटेगा, तफसीली फैसला जारी। सुप्रीम कोर्ट के अहकाम पर केडीए हुकाम से रोज भी एक्शन। नॉर्थ कराची, न्यू कराची और गुलिस्तान जौहर में एक दर्जन से ज़ायद गैर कानूनी तामीरात। शहर शहर, महल्ले महल्ले, ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तैयारियां, मस्जिद घर गलियां चौराहे और अहम इमारतें बर्फी कुमकुमों से जगमगा उठी। अमरीकी सदर ट्रंप की साहबजादी एवंका का दौरा भारत, ग्लोबल एंटरप्रेन्योर कॉन्फ्रेंस में एवंका ने भारत को उसका असली चेहरा दिखा दिया। इनको बराबरी के हुकूक देने से ही मईशत आगे बढ़ेगी। दुनिया रोहिंग्या मुसलमानों की कातिल आंग सान सूची की हकीकत जानने लगी। बरतानिया की ऑक्सफोर्ड काउंसिल ने आंग सान सूची से एजाज वापस ले लिया। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से सूची की तस्वीर पहले ही उतारी जा चुकी है। इंडोनेशिया में आतिशफशां ने हजारों अफराद के लिए खतरे की घंटियां बजा दी। बाली का एयरपोर्ट दूसरे मुसाफिर एयरपोर्ट पर फंस के रह गए। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज 9 बजे के साथ मैं हूँ आसमा इकबाल और मैं हूँ लियाबत। बुलेटिन का आगाज करेंगे कत्ल के अहम केस में आने वाले नए मोड़ से। कराची में कत्ल शाहजेब कत्ल केस में एक और ट्विस्ट आ गया है। मुटेरे के बेटे शाहरुख जदोई की सजाए मौत से बचने हो गई है। शाहजेब कत्ल केस में इंसदाद दहशतगर्दी अदालत से मिलने वाली मौत की सजा सिंध हाई कोर्ट ने कलदम करार दे दी। आपको बताएं कि इंसदाद दहशतगर्दी की दफात भी खत्म कर दी गई हैं और शाहजेब के कातिल शाहरुख जतोई और दीगर 3 मुलजिमान 4 साल बाद आज़ाद तैयार हो चुके हैं। इत्तलात यह है कि केस अब दोबारा से सुना जाएगा। वडेरे के बेटे की सजाए मौत से बचने की राह हमवार। शाहजेब के कातिल शाहरुख जतोई की सजा 4 साल बाद कलदम करार। दीगर 3 मुलजिमान भी आजाद होने के लिए तैयार। सिंध हाई कोर्ट में जेरे समात शाहजेब कत्ल केस में ड्रामाई मोड़ आ गया। मुलजिमान की अपील पर इंसदादे दहशतगर्दी अदालत का फैसला कलदम करार दे दिया गया। मामला सेशन कोर्ट के हवाले करके 8/9 समाअत का भी हुक्म। मुलजिमान शाहरुख जतोई, सिराज तालपुर, सज्जाद तालपुर
और गुलाम मुर्तजा ने दरख्वास्तों में मौकफ इख्तियार किया कि इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने कानूनी तकाजे पूरे नहीं किए। मुलजिम फारूक एच नाइक ने अदालत को बताया कि सजा के वक्त मुलजिम शाहरुख जतोई की उम्र 18 साल से कम थी। ये भी बताया कि तफ्तीशी अफसर ने जो बर्थ सर्टिफिकेट पेश किया उस पर शाहरुख के वालिद का नाम भी गलत दर्ज था। प्रोसिक्यूटर जनरल शहादत एवान ने बताया मकतूल शाहजेब और शाहरुख जतोई की सुलह हो चुकी है। सुलहनामे की दरख्वास्त हाईकोर्ट में दायर की गई थी। हाईकोर्ट ने 29 सितंबर 2014 को सुलहनामे की तस्दीक के लिए मामला एटीसी भेजा था। सुलहनामे की तस्दीक पर ताहाल नया हुक्म सामने नहीं आया। मामला जेरे इल्तवा है। ने रिमार्क्स दिए केस में दहशतगर्दी की दफात दर्ज हैं तो फरीकीन में सुलह कैसे हो सकती है। वकील ने मौकिफ अपनाया कि बड़ा था मुकदमे का एटीसी ट्रायल बनता ही नहीं। जस्टिस सलाउद्दीन ने रिमार्क्स दिए सुलहनामे के मामले को बाद में देखा जाएगा। अदालत ने मुकदमा एटीसी के दायरा इख्तियार पर कार्रवाई के लिए वापस ट्रायल कोर्ट भेजने का हुक्म दे दिया। कातिल शाहरुख जतोई की सजा का लगम करार देने ने नए सवालात को जन्म दे दिया है। शाहजेब कत्ल केस में इंसदादे दहशतगर्दी की दफात का मामला सुप्रीम कोर्ट पहले ही निपटा चुकी थी, फिर ये मामला क्यों अदालत उज़्मा के मातहत अदालत दे जाया गया? क्या सुप्रीम खिलाफ एक बार फिर अज खुद नोटिस लेगा या सिंध सरकार अपील करेगी? केस में सियासी असर और रसूख इस्तेमाल होने से मुतालिक भी सवालात जन्म लेने लगे। शाहजेब खान के कत्ल का मुलजिम सिंध के बासर जमींदार का लाडला बेटा था। मालदार बाप के इस बेटे के ठाट बाट भी निराले थे। ये जेल भी किसी लग्जरी होटल से कम नहीं थी। सिंध के बासर जमींदार और ठेकेदार का लाडला बेटा, जिसकी रिहाई के लिए वालिद सिकंदर जतोई ने पैसा पानी की तरह बहाया। शाहरुख जतोई के लिए जेल भी आसाइश कदा रही। खाने को मैकडॉनल्ड का बर्गर मिलता, पहनने के लिए दिन में 3 जोड़े दिए जाते, टाइम पास के लिए डब्बू कैरम और दीगर सहूलियात भी मयसर थी। सजा के बाद चंद हफ्ते ही जेल में गुजरे, मगर वो भी जेल के अस्पताल में। फिर हट्टे कट्टे शाहरुख जतोई को दिल का मरीज करार दे दिया गया। शाहरुख जतोई जेल से निकलकर कौमी इदारा बराए अमरा गया कि दोबारा फिर लौट कर नहीं आया। कराची पुलिस के हाजिर सर्विस डीएसपी औरंगजेब खान के 20 साल बेटे शाहजेब खान को दिसंबर 2012 में मामूली झगड़े पर केस में कब कब क्या क्या हुआ, जानिए इस रिपोर्ट में। पांच साल पहले शहर कायद के पोश इलाके डिफेंस में कराची के मुहाफिज का बेटा कत्ल हुआ था। 24 दिसंबर शाहजेब अपनी बहन के हमरा शादी की एक तकरीब से घर लौट रहा था कि सिंध के मारूफ सनतकार सिकंदर जतोई के बेटे शाहरुख जतोई और उसके दोस्तों से झगड़ा हुआ। अगले ही रोज शाहजेब खान को कत्ल कर दिया गया। चली तो पुलिस ने 7 जनवरी को साजिद तालपुर, सज्जाद तालपुर और उनके मुलाजिम गुलाम मुर्तजा लाशारी को गिरफ्तार किया, जबकि मरकजी मुलजिम शाहरुख जतोई बैरून मुल्क फरार हो गया। सुप्रीम कोर्ट ने आज खुद नोटिस लिया तो मुलजिम को दुबई से गिरफ्तार करके पाकिस्तान लाया गया। शाहजेब कत्ल केस की इंसदादे दहशतगर्दी अदालत में समाअत हुई। शाहरुख जतोई को साबित करने के लिए भी सर तोड़ कोशिशें की गईं। इंसदादे दहशतगर्दी अदालत का दायरा इख्तियार सिंध हाई कोर्ट में चैलेंज किया गया। सिंध हाई कोर्ट ने मुलजिमान के वकला की ये दरखास्त मुस्तरद कर दी, जिसे बाद में सुप्रीम कोर्ट ने भी मुस्तरद कर दिया। 7 माह तक समाअत के बाद उम्र के तायुन के लिए मेडिकल बोर्ड तश्कील दिया गया, जिसमें शाहरुख जतोई करार दिया गया। इंसदादी दहशतगर्दी अदालत ने 7 जून 2013 को शाहरुख जतोई और गुलाम मुर्तजा लाशारी को सजाए मौत सुनाई, जबकि दीगर दोनों मुलजिमान को उम्र कैद की सजा सुनाई गई। यहां आपको बताएं कि शाहजेब कत्ल केस से शाहरुख
तो ये भारी दियत भी अदा की गई थी। कत्ल की दियत तय होने की तफसीलात भी सामने आ गई हैं, जिनके मुताबिक मकतूल के वरसा को 35 करोड़ रुपए दिए गए थे, जबकि कैनेडा की शहरियत के लिए अलहदा से रकम अदा की गई थी। दियत की मजीद डिटेल जान लेते हैं। हम मौजूद हैं काशिफ फारूकी। काशिफ फारूकी, नकद जो रकम अदा की गई थी वो 35 करोड़ रुपए थे, मजीद क्या कुछ शराइत थी इस दियत की? जी बासर, जमींदार सिकंदर जतोई ने अपने लाडली बेटे शाहरुख जतोई को सजाए मौत से बचाने के लिए हर जतन किया, हर तरह का तरीका इस्तेमाल किया। पहले डराया धमकाया गया मकतूल के वर्षा नहीं बनी तो सिंध हाईकोर्ट में सजा के खिलाफ अपील दायर करने के फौरन बाद ही जो है उनसे आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट के लिए जो है वो उनको पेशकशें शुरू कर दी गई। पहली जो पेशकश जराए का कहना है कि वो सिकंदर जतोई की जानब से जो की गई थी वो ये थी कि 5 करोड़ रुपये नकद, डिफेंस में 600 गज ऑस्ट्रेलिया में एक फ्लैट की मिल्कियत के एवज जो है वो मकतूल शाहजेब के वालदेन या उसके वर्सा जो हैं वो शाहरुख जतोई को मुआफ़ कर दें, लेकिन कुछ नागुजर वजूहात की बुनियाद पर यह डील आगे नहीं बन सकी और ये मामला चंद माह के लिए ठप हो गया। लेकिन चंद माह बाद जब ये दोबारा सिलसिला शुरू हुआ तो सिकंदर जतोई की जानब से एक बहुत ज़्यादा हैंडसम रकम जो है ऑफर की गई। ज़राए का कहना है कि 35 करोड़ रुपये नकद और उसके अलावा कैनेडा में शहरियत के लिए अलहदा से रकम फराहम करने की जो पेशकश की गई मकतूल शाहजेब के वर्सा को, उसके वालिद DSP औरंगजेब खान को, उन्होंने वो एक्सेप्ट की और इन दोनों के दरमियान बाकायदा एक वकील मारूफ वकील के जरिए जो है मुआहदा तय पाया जो है वो ये डील जो है वो एक एग्रीमेंट की शक्ल इख्तियार कर गई और फिर मकतूल शाहजेब के वर्सा पाकिस्तान से कैनेडा मुंतकिल हो गए। जी उधर मारूफ कानूनदान ज़िया अवान कहते हैं कि केस में से इंसदादे दहशतगर्दी की दफात खत्म नहीं की जा सकती, क्योंकि जब शाहजेब को कत्ल किया गया उस वक्त इलाके में खौफ व हिरास फैला हुआ था। अब देखना होगा कि सुप्रीम कोर्ट फैसले का खुद नोटिस लेती है या नहीं। जहां तक याद है कि सुप्रीम कोर्ट तक ये बात गई थी कि ये जो है ना केस चलना चाहिए एंटी टेररिस्ट कोर्ट में, उसकी वजह यह है कि एंटी सेक्शन जो मैंने उसमें यह था कि अगर उससे सोसाइटी में एक टेरर क्रिएट हो तो वो टेररिस्ट एक्ट कहलाएगा। तो जब ये वाकया हुआ था तो पूरी मेरा ख्याल है कि सिविल सोसाइटी और पब्लिक जो है हिल ने जितना उसका वो रिस्पॉन्स किया था तो वो एक टेरर था जो उस वक्त हुआ था। आपको ये भी बताएं कि शाहजेब कत्ल केस के मरकजी मुलजिम शाहरुख जब एक और मुकदमा भी दर्ज किया गया था जिसका चालान आज तक अदालत में पेश नहीं हो सका। FIA ने मुलजिम के खिलाफ जालसाजी, धोखाधही और मुल्क से फरार होने का मुकदमा दर्ज किया था, लेकिन 5 साल से मुलजिम को किसी अदालत में पेश नहीं किया। शाहरुख जतोई पर शाहजेब के कत्ल का मुकदमा ही नहीं आया, एक और केस भी है जो आज तक हल नहीं हो सका। 2012 में शाहरुख जतोई को दुबई से गिरफ्तार करके पाकिस्तान लाने के बाद FIA ने जालसाजी, धोखा, बैरून मुल्क फरार होने का मुकदमा दर्ज किया था। शाहरुख जतोई बिलावल हाउस के प्रोटोकॉल अफसर की मदद से एयरपोर्ट के VIP गेट से बैरून मुल्क फरार हुआ था। शाहरुख के खिलाफ ये मुकदमा गुज़िश्ता 5 बरसों से मुख्तलिफ अदालतों में ज़ेर समात रहा। महकमे दाखला सिंध ने मुकदमे की समाअत जेल में भी शुरू कराई, लेकिन मुलजिम को किसी अदालत में पेश नहीं किया गया। अब यह मुकदमा मलीर की मकामी अदालत में जेर इल्तवा है, जिसकी आखिरी समाअत रवा माह 2 नवंबर, मगर इस बार भी ना तो FIA चालान पेश कर सकी ना ही जेल हुक्काम मुलजिम को हाजिर कर सके। आगे बढ़ेंगे, आपको बताएंगे कराची की इंसदादे दहशतगर्दी अदालत ने पसंद की शादी करने वाले जोड़े को कत्ल करने के 9 मुलजिमान को 2 दिसंबर तक जिस्मानी रिमांड पर पुलिस के हवाले कर दिया है। जोड़े को गैरत के नाम पर 22 नवंबर को कत्ल किया गया। कराची के थाना मोमिनाबाद की हुदूद में पसंद की शादी करने वाले जोड़े को कत्ल करने का मामला, गिरफ्तार मुलजिमान को इंसदादे दहशतगर्दी की मुंतजिम अदालत में पेश किया गया। अदालत ने मुलजिमान को 2 दिसंबर तक जिस्मानी रिमांड पर पूरा दिया। मुलजिमान में नूर मोहम्मद, मोहम्मद उमर, अदील, जियाउल हक, अब्दुल सत्तार, अमीन, गुलाम रसूल, अब्दुल रशीद व दीगर शामिल हैं।
पुलिस के मुताबिक जोड़े को गैरत के नाम पर 22 नवंबर की शब कत्ल किया गया। पुलिस ने अदालत को बताया कि लाशों को छुपाने के लिए जियाउल हक हबीब अय्यूब रात 1:30 बजे कब्रिस्तान में गड़ा खोदा और लाशें बोरियों में डालकर दफन कर दी। दूसरी जानी पुलिस ने मालिक मकान को किरायादारी एक्ट की खिलाफ वर्जी करने पर गिरफ्तार कर लिया। मैं मानता हूँ अपनी गलती, लेकिन ये कि फिर भी मैंने पूरे उनके साथ जो बंदे थे उससे पूरे बंदे पकड़वाए। पुलिस तहकीकात में मजीद सनसनीखेज इंकशाफात हुए। गिरफ्तार मुलजिमान के मुताबिक मकतूल अब्दुल हादी और हसीना ने भागकर शादी की थी। रिश्तेदारों ने मिलकर ये फैसला किया था कि दोनों जहां भी मिलेंगे उन्हें कत्ल कर दिया जाएगा। और अब बात करेंगे फैजाबाद धरने की, लेकिन धरना मौसर अंदाज में खत्म न कराने पर लीगी कयादत वजीर दाखिला एहसन इकबाल की कारकर्दगी से नाखुश है। नवाज शरीफ ने धरना खत्म होने के मुआहदे और उसके कई निकात पर नापसंदीदगी का इजहार। इस्लामाबाद में 22 दिन का धरना, हुकूमत ही नहीं आवाम के लिए भी कड़े इम्तिहान से कम ना था। पैसा भी बहा और खून भी बहा। दाखला एहसन इकबाल ने दावे तो बड़े बड़े किए थे, दुरुस्त अंदाज में हैंडल ना कर सके। ये कानून वजारत कानून ने नहीं बनाया था। अगर वजारत कानून ने बनाया होता तो वजीर कानून जिम्मेदार था। सिलेक्शन की तैयारी के लिए खत्म नबूवत जैसे लोगों के लिए जो दिल के करीब है और एक हसास मसला है उससे खेल रहे हैं। हमें सिर्फ का एहसास है कि हम कोई जानी माल नहीं, नुकसान नहीं देखना चाहते। कनपटी पे पिस्तौल रख के कोई मनवाना चाहता है ऐसी शर्त नाकाबिले कबूल है। तो मैं इंशाल्लाह कुछ ऐलानात सुनेंगे। लीगी कयादत भी एहसन इकबाल पर बरहम हो गई। साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ ने इस्लामाबाद में पार्टी रहनुमाओं और कारकुनों से गैर रस्मी मुलाकातें की। सबसे ज्यादा अहम मौजू फैजाबाद का धरना रहा। नवाज शरीफ ने दोनों वज़रा से जो सवालात किए इनका ताल्लुक धरना देने वालों के पसे पर्दा, हिमायत वाले अनासर, धरना मुखालिफ ऑपरेशन की गैर मौसर मंसूबा बंदी, मुतबादल प्लान ना होने की वजूहात से था। आजम ने धरना खत्म होने के मुआहदे और इसके कई नुकात पर नापसंदीदगी का इजहार किया। पार्टी कायद के सवालात जब बढ़ने लगे तो एहसन इकबाल ने यह जवाब देने में ही गनीमत जानी कि तमाम तफसीलात से आपको अलहदगी में आगाह करूंगा। धरने वालों से मुहैदा नवाज शरीफ को वजीर दाखला को सफाई पेश करना पड़ गई। कहते हैं कि और कोई चारा भी तो नहीं था, मुहैदा ना करते फसाद फूट पड़ते। नवाज शरीफ ने धरना खत्म करने के मुहैदे पर बरहमी का इजहार किया तो वजीर दाखला एहसन इकबाल को भी सफाई पेश करना पड़ गई। नवाज शरीफ के सामने वो कुछ बोले या नहीं, लेकिन ट्वीट पर एहसन इकबाल ने अपनी सफाई खूब पेश की। कहा कि हम भी चाहते थे कि मुहैदे के जरिए धरना खत्म ना हो, लेकिन क्या करते, कोई और चारा भी तो ना था। उन्होंने कहा कि अगर धरना खत्म ना हो बाद हंगामे फूट पड़ते। एहसन इकबाल इससे कबल एक्शन लिए जाने का सारा मलबा भी इस्लामाबाद इंतजामिया पर फेंक चुके हैं। एहसन इकबाल पर अपनों का गुस्सा और उसकी वजाहत तो आपने देख ली, लेकिन धरने के शुरका का गुस्सा भी कुछ कम नहीं हो सका, जिसके आसार अब तक फैजाबाद में मौजूद है। धरना तो खत्म हो चुका है, लेकिन पीछे तबाही के निशान छोड़ गया। मुश्तिल अफराद की जानिब से जलाई गई गाड़ियों को उठाने और सफाई का अमल अभी भी जारी है। तबाही की तस्वीर बनी अमलाक का अहवाल इस रिपोर्ट में। फैजाबाद धरना तो खत्म हो गया, लेकिन पीछे तबाही की तवील दास्तान छोड़ गया। हर सू मुश्तइल अफराद की तोड़फोड़ और जलाओ घेराव नजर आती है। करोड़ों रुपए मालियत की गाड़ियों को पल भर में जीप हो या कार, बस हो या टैंकर, जो मिला सब कुछ राख बना दिया गया। धरने के दौरान कहीं गाड़ियां नजरे आतिश की गईं, तो कहीं तोड़ फोड़ से अमलाक को नुकसान पहुंचाया गया। अब फैजाबाद की सड़कों से इन जली गाड़ियों को उठाने और सफाई का अमल तो शुरू हो गया, लेकिन सवाल ये है कि करोड़ों रुपए मालियत की अमलाक के नुकसान का अजाला कैसे होगा। लाहौर के माल रोड पर धरना चौथे रोज भी जारी है। सूबाई वजीर ज़ईम क़ादरी ने सरगोधा में पीर हमीदुद्दीन सियालवी से मुलाकात की और उनके तहफ़ुज़ात पार्टी क़यादत तक पहुंचाने की यकीन दहानी करवाई। वज़ीर आला पंजाब मियां शहबाज शरीफ ने धरने के दौरान गिरफ्तार किए गए तमाम अफराद की रिहाई का हुक्म दे दिया।
फैजाबाद ऑपरेशन के रद्देअमल में लाहौर के माल रोड पर शुरू होने वाला धरना चौथे रोज भी जारी है। धरने में शरीक रहनुमाओं और कारकुनों का कहना है कि मुतालबात की मंजूरी तक उनका एहतजाज जारी रहेगा। पार्टी के MNA की जानिब से इस्तीफों के ऐलान के मामले पर बातचीत के लिए सूबाई वजीर मजहबी अमूर जईम कादरी सरगोधा गए और पीर हमीदुद्दीन सियालवी से मुलाकात की। जईम कादरी ने पीर साहब को उनके मुतालबात पार्टी क्यादत तक पहुँचाने की यकीन दहानी कराई। दूसरी जानिब वजीर आला पंजाब शहबाज शरीफ ने धरने के दौरान होने वाले तमाम रहनुमाओं और कारकुनों की फौरी रिहाई का हुक्म जारी कर दिया है। तर्जुमान हुकूमत पंजाब का कहना है कि गिरफ्तार अफराद की रिहाई जज्बा खैर सगाली के तहत की जा रही है। वेलकम बैक। कुछ बात करेंगे साबिक वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ की, जिनकी जानिब से शिकवे और शिकायतों का सिलसिला मुसलसल जारी है। मियां साहब ने आज भी कुछ नया नहीं कहा, लेकिन क्या कहा जानिए स्पोर्ट में। मुझे क्यों निकाला का शिकवा साबिक वज़ीर-ए-आज़म की जबान से जाने का नाम ही नहीं। इस्लामाबाद में कारकुनों और पार्टी रहनुमाओं से खिताब में साबिक वज़ीर-ए-आज़म ने माजी को ही याद न किया बल्कि हाल का अहवाल और मुस्तकबिल भी बता दी। साबिक वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि उनके खिलाफ अदालती फैसला अवाम ने कबूल नहीं किया। अकामा पे इस तरह का फैसला देना एक मजाक है और हम बहरहाल अपनी जदोजहद इसी हवाले से कर रहे हैं और इंशाल्लाह ये जदोजहद हमारी जारी रहेगी। नवाज शरीफ का कहना था कि 70 साल से जो कुछ मुल्क में हो रहा है अच्छा नहीं है। कभी मुंतखब वज़ीर-ए-आज़म को हटा दिया जाता है और कभी फांसी दे दी जाती है, कभी वज़ीर कर लिया जाता है तो कभी जिला वतन कर दिया जाता है। आमरियत नहीं, हमेशा जमहूरियत में मुल्क ने तरक्की की है। नवाज शरीफ का कहना था कि वो कारकुनों, आवाम और सियासी जमातों के साथ मिलकर तहफ़्फ़ुज़ के लिए जद्दोजहद करेंगे और जल्द पाकिस्तान की तरक्की के लिए एक अहद करेंगे। नाज़रीन, सुप्रीम कोर्ट ने शरीफ खानदान के खिलाफ हुदैबिया रेफरेंस की बहाली अपील पर समाअत शुरू कर दी है। तमाम बुनियादी रिकॉर्ड तलब करते हुए मुशर्रफ दौर में नैब तश्कील की तमाम तफसीलात भी मांग ली हैं। जस्टिस मुशीर आलम की सरबराही में जस्टिस मजहर आलम और जस्टिस फायज ईसा पर मुश्तमिल बेंच ने हुदैबिया रेफरेंस की बहाली अपील पर समाअत की। अदालत ने नैब वकील से तफसीलात मांग ली, इनमें शरीफ खानदान और जलावतनी का रिकॉर्ड, हुदैबिया रेफरेंस की तश्कील और ट्रायल के हकायक, मुशर्रफ दौर में नैब तश्कील के मुहर्रिकात शामिल हैं। अदालत ने हुदैबिया रेफरेंस पर पानामा JIT की रिपोर्ट का जायजा भी लिया कि मुलजमों के बैरून मुल्क होने की वजह से रेफरेंस पर कार्रवाई रोकी गई। तो जस्टिस फायज ईसा ने कहा कि किसी को जबरन भेजना या किसी का फरार होना मुख्तलिफ चीजें हैं। रेफरेंस पर एक माह में फैसला करना होता है, ज्यादा अरसा जेरे अल्तवा रख कर क्या हमेशा के लिए तलवार लटकाएंगे। नैब वकील ने 4 हफ्तों की मोहलत मांगी तो अदालत ने इसे मुस्तर्द। जस्टिस फायज ईसा ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने खास बेंच बनाया है, क्या नैब अब भी दबाव में है। नैब वकील ने कहा कि बदकिस्मती से ऐसा ही है, मुकदमे की समाअत 11 दिसंबर तक मुलतवी कर दी गई। तहरीक इंसाफ ने हुदैबिया केस को ही शरीफ खानदान की असल मनी ट्रेल करार दे दी। ने कहा कि इस केस का पैनामा केस से गहरा ताल्लुक है। नईम उल हक बोले, मुस्लिम लीग नून की हुकूमत लंगड़ी और अपाहिज हो चुकी है, इसे फौरी चले जाना चाहिए। ये केस इसका पैनामा पेपर से गहरा नेक्सस है हुदैबिया का। जो पैनामा पेपर्स है वो तो बताता है कि शरीफ फैमिली की लंदन में प्रॉपर्टीज है। जो हुदैबिया है वो बताता है कि ये प्रॉपर्टीज खरीदी कैसे गई, पैसे कहाँ से आए। जो मनी ट्रेल असल है वो हुदैबिया में है और इसलिए इस केस की बहुत अहमियत है। वजीर दिफा कमजोर, वजीर दाखिला कमजोर है, वजीर खारजा कमजोर है और वजीर आजम कमजोर। ये हुकूमत लंगड़ी, नूनी और अपाहिज हुकूमत है, इसको फौरन जाना चाहिए। रुक कर रहे हैं हम शहर का, खबर आ रही है औरंगी टाउन और करंगी टाउन में फायरिंग के 2 मुख्तलिफ वाकयात हुए हैं। इन वाकयात में 1 शख्स जान बहक जबकि 4 अफराद जख्मी हो चुके हैं। नाज़रीन, आपको यकीनन याद होगा कि शहर कायद से अक्सर बेशतर इस तरह की वाकयात और खबरें सामने आती रहती थी, लेकिन अब चूंकि कराची को एक पुरम शहर कहा जा सकता है,
کہ واقعات پیش آنا اچنبھے کی بات ہے اور اسی پر ہم کوشش کریں گے اپنے رپورٹر سے بات کریں اور جانیں کہ اس طرح کے واقعات کیوں پیش آئے ہیں۔ دو مختلف علاقے ہیں اورنگی ٹاؤن کورنگی، ان میں فائرنگ کے دو مختلف واقعات ہوئے ہیں۔ مزید ڈیٹیلز لیتے ہیں فیضان جلی سے۔ فیضان جلی ہے کہ ذاتی دشمنی یا جھگڑے کی وجہ سے واقعات پیش آئے، یہ معاملہ کچھ اور ہے؟ جی بالکل، چند منٹوں کے دوران فائرنگ کے یہ دو مختلف واقعات پیش آئے اورنگی ٹاؤن اور کورنگی میں۔ کورنگی میں مسلح موٹر سائیکل سوار ملزمان نے فائرنگ کری، جس کے نتیجے میں 25 سالہ شخص موقع پر ہی جاں ہوا ہے۔ اس کے چند منٹوں کے بعد دوسرا واقعہ اورنگی ٹاؤن بجلی نگر میں موٹر سائیکل سوار ملزمان نے جو ہے وہ چوک پر بیٹھے افراد پر جو ہے وہ فائرنگ کری ہے، جس کے نتیجے میں 4 افراد زخمی ہوئے۔ زخمیوں میں جو ہے وہ ستار، یعقوب، شاہ رخ اور صدیق شامل ہے، جنہیں طبی امداد کے لیے اسپتال منتقل کیا گیا۔ زخمیوں کو طبی امداد دی جا رہی ہے۔ فیضان آپ آگاہ کر رہے تھے۔ پشاور میں بچوں کے ساتھ ریپ اور قتل کے ایک اور واقعے نے پولیس کی کارکردگی پر سوالیہ نشان کھڑے کر دیے ہیں۔ سربند میں پیش آنے والے افسوسناک واقعے پر مزید تفصیلات جانیے عامر جمیل کی زبانی۔ 9 سالہ حبیب کو اسکول جاتے ہوئے دھوکے سے رازق شاہ نے اپنے گھر بلایا اور پھر قتل کر دیا۔ شک کی بنا پہ ایک بندے کو اٹھایا گیا، جو کہ ہمیں پتہ چلا کہ نام ہے اس کا۔ جب اس کو ہم نے انٹروگیٹ کیا تو اس نے تسلیم کیا کہ میرا ایک رشتہ دار ہے جس کا نام رازق شاہ ہے، اس نے اس بچے کو قتل کیا اور پھر میں نے اس کو دفنایا۔ قاتلوں کی نشاندہی پر مزید شواہد کے لیے حبیب کی قبر کشائی کی گئی۔ اس موقع پر حبیب کے رشتہ دار اور اہل علاقہ بے حد افسردہ نظر آئے۔ ساری رات تک رات کو بھی نہیں ملا، پھر بہت بڑا مجھے خدا کی قسم الفاظ بھی نہیں ہے کہ ہم پہ کتنے دکھ ہے اور کس طرح ہم انہیں فیل کر رہے ہیں۔ سارا علاقہ غم اور نڈال سے پریشان ہے، یہ جو آپ لوگ دیکھ رہے ہیں نا، سارے لوگ جو ہے نا، یہ ہوا ہے۔ حبیب کی لاش کو پوسٹ مارٹم کے لیے روانہ کر دیا گیا ہے، جبکہ قاتلوں کے خلاف مقدمہ درج کر کے مزید تفتیش کے لیے عدالت سے ریمانڈ طلب کر لیا گیا ہے۔ 9 سالہ حبیب کے لرزہ خیز قتل پر اہل علاقہ بھی شدید غم و غصہ میں مبتلا ہے۔ ان کے مطابق مجرموں کو ایسی سزا ہونی چاہیے جو دوسروں کے لیے عبرت کا نشان ہو۔ کیمرامین منیب احمد کے ساتھ عامر جمیل، آج نیوز، پشاور۔